एंड सभी टॉवर सभी ऊपर आ चुके हैं सर, तो आई मीन अराउंड हमारा 45% सर फोकस हो गया है। विजन एंड सो ही इज द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी इन ऑल मोर इंपॉर्टेंट कनेक्शन। सर सामने जम्मू वासी बधाई के पात्र हैं। आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज एम्स जम्मू और ट्रिपल IMCSIR जम्मू के बीच में एक MOU पर हस्ताक्षर हुए फॉर क्लोजर कोलैबोरेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों ही संस्थान मेडिकल रिसर्च को डेडिकेटेड हैं और ट्रिपल IMCSIR जम्मू CSIR मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो सबसे पुराने संस्थान हैं उनमें से एक है। इसकी स्थापना आज़ादी से भी पहले हुई थी और आज भी यहाँ पर अनेकों ऐसे शोध हो रहे हैं जो अपनी तरह के पहले, जैसे उदाहरण के तौर पर कैनाबिस मेडिसिनल प्लांट्स। आज देश भर में जो पर्पल रेवोल्यूशन अरोमा मिशन जिसका उल्लेख किया जा रहा है, उसका जन्म भी ट्रिपल IMCSIR केनाल रोड पर हुआ। और स्टार्टअप्स के लिए, एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उसने नए आयाम खोले हैं। मैं तो निवेदन करूँगा मीडिया के माध्यम से भी कि हम इस विषय को लेकर के थोड़ी और जागरूकता पैदा करने का प्रयास करें, क्योंकि देश भर में जहाँ पर इस पर्पल रेवोल्यूशन एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड और स्टार्टअप आया है, यहाँ पर कहीं ना कहीं शायद अभी पर्याप्त तौर पर उसकी जागरूकता पैदा करने का प्रयास होना चाहिए। क्योंकि युवाओं को ये जब महसूस होगा कि सरकारी नौकरी में जो वेतन मिलता है उससे कहीं अधिक आमदनी का स्रोत यहाँ पर उपलब्ध है, तो शायद वो उस मानसिकता से बाहर निकल पाएंगे। साथ ही साथ ट्रिपल IIM जम्मू और एम्स जम्मू कुछ एक ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर उनका तालमेल होना इसलिए भी अनिवार्य है। जैसे मैंने उल्लेख किया कि कैनाबिस मेडिसिनल प्रोडक्ट्स वहां पर डेवलप किए जाएंगे, उनके क्लिनिकल ट्रायल्स एम्स जम्मू और GMC जम्मू में होंगे। डायरेक्टर साहब के साथ बैठ कर के डिटेल प्रेजेंटेशन हुई है। जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं यहाँ पर OPD प्रारंभ करने का एक करने की योजना बनाई गई है। हमारा पहला बैच पहले बाहर रहा करता था, उसको इस वर्ष यहाँ पर ला करके दूसरे बैच के साथ यहाँ काम शुरू करना चाहेगा। कोविड के बावजूद यहाँ पर निरंतर 3500 लोग निरंतर कार्य में जुटे रहे, वो भी बधाई के पात्र हैं। और इस इंस्टीट्यूशन को एक अपनी अलग शिनाख्त देने के लिए, क्योंकि किसी भी नई इंस्टीट्यूशन को अपनी शिनाख्त हासिल करने के लिए एक्सक्लूसिविटी पैदा करनी की आवश्यकता रहती है, तो मैं डायरेक्टर साहब से यही जिक्र कर रहा था, डॉक्टर शक्ति गुप्ता से, कि हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में, चूँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मेडिसिन, इसको भारत सरकार की ओर से बल भी मिल रहा है, प्रोत्साहन भी मिल रहा है। आपने देखा हो प्रधानमंत्री बार बार अपने संबोधनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उल्लेख करते हैं, डिजिटल हेल्थ का जिक्र करते हैं, स्टार्टअप्स का जिक्र करते हैं। हम इसी क्षेत्र में यदि एक फोकस ढंग से शोध करने का प्रयास करें तो आई एम श्योर दिस इंस्टीट्यूशन विल डेवलप एज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिजिटल मेडिसिन हब ऑफ नॉर्थ इंडिया।